दोस्तों ओप्पो ने अपनी फाइंड सीरीज भारत में अपग्रेड नहीं करी है फाइंड X2 के बाद से, पर जो नए मॉडल हैं वो लगातार अन्य रीजन्स में आते जा रहे हैं। हमारे पास जो आज ये स्मार्टफोन है ये फाइंड X5 प्रो, ये फाइंड X3 प्रो का सक्सेसर है और ये काफ़ी सारे बड़े अपग्रेड्स को लाता है। ये फ़ोन जो है भारत में ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है और जैसा हमें पता है ओप्पो का कोई प्लान भी नहीं है कि वो भारत में इसको लॉन्च करे, जो कि एक शर्मनाक बात है। ओप्पो ने हमको एक यूनिट ज़रूर भेजा कि हम कुछ दिन तक इसको चलाएं, तो ये रहा हमारा फर्स्ट लुक इस डिवाइस पे कि ये कैसा है। आइए शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन के साथ, जो कि उतना ज़्यादा अलग नहीं है पिछले साल के मॉडल के मुकाबले। इसमें वो आइकॉनिक कैमरा बम्प अभी भी है, थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया गया है इसको, जिसकी वजह से इफेक्ट आता है कि जो पूरा कैमरा मॉड्यूल है वो सिरेमिक बैक पैनल से निकल के बाहर आ रहा है। ये एक बड़ा ही यूनिक डिज़ाइन है और इसकी मदद से ओप्पो फाइंड X5 प्रो डेफिनेटली स्टैंड आउट करता है। इस पे जो ग्लेज ब्लैक ट्रिम दे रखी है, एक मेजर फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, पर अच्छी बात यह है कि ओप्पो ने यहाँ पे केस दिया है बॉक्स के अंदर। बिल्ड क्वालिटी इस फोन का काफ़ी हद तक ज़बरदस्त लगा हमको, और ओप्पो फाइंड X5 प्रो में कर्व्ड मेटल फ्रेम है और एक बड़ी सी लार्ज डिस्प्ले है जिसमें कर्व्ड साइड्स दे रखे हैं कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स के साथ। जो इसमें AMOLED पैनल दे रखा है उसके स्पेक्स टॉप नॉच है। 10-bit कलर पैलेट है यहाँ पे, क्वाड HD+ रेजोल्यूशन है और 120Hz की डायनेमिक रिफ्रेश रेट है। जो फाइंड X5 प्रो है काफ़ी भारी फ़ोन है 200 ग्राम के ऊपर, और उतना ज़्यादा हल्का फुल्का भी नहीं है। इसके और अन्य अच्छे फीचर्स ये हैं कि इसमें IP68 रेटिंग है डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए, 5000mAh की इसमें बैटरी है, 80W तक की फास्ट वायर्ड चार्जिंग है और इसमें 50W तक की फास्ट वायरलेस चार्जिंग है। ये एक 2022 फ्लैगशिप है, तो ओप्पो फाइंड X5 प्रो के अंदर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 SoC है। इसमें काफ़ी हद तक बढ़िया रैम और स्टोरेज दे रखी है, पर अच्छी बात यह है कि इसमें ओप्पो का खुद का कस्टम इमेजिंग SoC है जिसका नाम मैरी सिलिकन X है, जो कि ज़्यादा और बढ़िया आपको पावर एफिशिएंट प्रोसेसिंग देगा इमेजेस और वीडियोस की, जिसको ये फ़ोन कैप्चर करेगा। जो थोड़ा सा समय हमने ओप्पो फाइंड X5 प्रो के साथ बताया, हमें ऐसा लगा कि ये काफ़ी हद तक बढ़िया फ्लैगशिप है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्पीट कर सकता है अगर ओप्पो इसको भारत में लॉन्च करे तो। कलर OS 12 काफ़ी हद तक बढ़िया चल रहा था और जो डिस्प्ले वो काफ़ी हद तक बढ़िया है किसी भी तरीके के वीडियो कंटेंट को देखने के लिए। गेम्स भी काफ़ी हद तक बढ़िया लग रहे थे, पर हमने थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स जरूर देखे जब हम फास्ट पेस्ड गेम्स को खेल रहे थे QHD+ रेजोल्यूशन पे। ओप्पो ने पार्टनर किया है Hasselblad के साथ कैमरास के लिए ओप्पो फाइंड X5 प्रो पे, क्योंकि जो उनकी सिस्टर कंपनी OnePlus है उनका भी एग्जिस्टिंग टाइप था Hasselblad के साथ। इस फोन के अंदर 3 रियर कैमरास दे रखे हैं और जैसे कि स्पेक्स से आप पता लगा सकते हैं काफ़ी हद तक इम्प्रेसिव हैं। जो मेन कैमरा है उस पर सेंसर बेस्ड स्टेबलाइजेशन तो है ही है, यहाँ पे लेंस स्टेबलाइजेशन भी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि वीवो का गिम्बल कैमरा टेक्नोलॉजी था, और ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको देगा ये शूट करते वक्त। सेल्फीज़ के लिए यहाँ पे एक 32MP का फ्रंट कैमरा भी दे रखा है। ये रहे वो सारे सैम्पल्स जो कि हमने ओप्पो फाइंड X5 प्रो से लिए। अब ओप्पो फाइंड X5 प्रो जो है वो 1299 यूरोस पे लॉन्च हुआ, या फिर 1,10,000 रुपये लगेंगे अगर आप इम्पोर्ट टैक्सेस को ना काउंट करें। एक बढ़िया कॉम्पिटिटर बनता कुछ अन्य फ़ोन्स का, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा या फिर iPhone 13 प्रो, अगर ये भारत में एक्चुअली में उपलब्ध होता तो। तो दोस्तों आपके क्या ख्याल है इसके बारे में, क्या ओप्पो को अपना ये फ़ोन भारत में लॉन्च करना चाहिए था कि नहीं, हमको ये बताइए कमेंट सेक्शन में। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।